फिर मोरलाहन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब घर में हैं और कुशल मंगल है। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि मैं अभी अफ्रीका के मलावी में हूँ और यहाँ पर भी धीरे धीरे कोरोना वायरस की केसेस बढ़ता जा रहा है। अभी 1613 केसेस हो गए हैं। गाइज, मैंने तो आप लोगों को बोला ही है कि मैं अभी अफ्रीका के मलावी में हूँ और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक है और ये सब चीज़ें हम इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब किसी देश की अच्छी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं, तब सबसे पहले आते हैं देश की साफ सफाई और देश की रोड्स। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वही दिखाने की कोशिश करती हूँ। आइए चलिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग गलियों को, सड़कों को क्लीन रखते हैं, रास्ते के साइड में हर चीज कितने अच्छे से रखते हैं। यहाँ इंडिया के जैसे नहीं है कि कोई पान खा के थूक दिया या कोई केला खा के उसके सिलके को रास्ते में फेंक दिया, इस तरह के काम नहीं करते हैं यहाँ के लोग। और रोड पे थूकना यहाँ पे कानूनी जुर्म है। यहाँ पर अगर किसी ने थूक दिया रोड पे तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाएंगे और उस पे केस भी चल सकते हैं। एंड गाइस, आप पब्लिक प्लेस में स्मोक नहीं कर सकते। अगर आपको पब्लिक प्लेस में स्मोक करते हुए किसी ने देख लिया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा और केस तो होगा ही, इवन जेल भी जाना पड़ सकता है। रास्तार काखे काखे एकु एकुखन सुंदर बागिचा, इमान मनोरम परिवेश। हाँ, रास्ते के साइड में कितनी सुंदर सुंदर फ्लावर गार्डन्स है। और यहाँ पर ये अच्छी बात है कि इसको कोई नहीं तोड़ते, सब लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज को अपने प्रॉपर्टीज जैसे केयर करते हैं। रास्ता देख रहे हैं, जो रोड देख रहे हैं, वो यहाँ के हाईवे है, वहाँ लेके चलते हैं। या हाईवे इज सो बिजी, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इट्स सो बिजी। और बस आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों से मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। दोस्तों, ऐसे में मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, रोड के हर मोड़ पे।